अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग सेलुलर स्ट्रक्चर और टॉपिक क्लस्टर के बारे में जानना चाहते हैं और आपको इन दोनों के दरमियान कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो लास्ट में से एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आपका एहसन एक्सपर्टीज चैनल पे। इस चैनल पर आपको डिजिटल मार्केटिंग और SEO से रिलेटेड वीडियोज मिलती हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग मेरी वीडियोज को मिस ना कर सकें। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वो टॉपिक क्लस्टर को यूज़ करें अपनी वेबसाइट में, क्लाइंट की वेबसाइट के लिए, या फिर वो सेलर स्ट्रक्चर को यूज़ करें। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, आपको किस वे में वर्क करना है, टॉपिक क्लस्टर्स बनाने हैं तो किस तरह से बनाएंगे, सब हम स्क्रीन पर चलकर इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, तो वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो मैं आप लोगों को सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो सेलर स्ट्रक्चर और टॉपिक क्लस्टर्स के बारे में। अब फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है आपकी, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को टारगेट किया है। निश आपकी एक ही, जैसे कि आप समझ लें आपकी जो निश है वो है हेल्थ, लेकिन आपने उस हेल्थ निश के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे कि आपने चिल्ड्रंस हेल्थ की अलग कैटेगरी बनाई है और डेंटिस्ट की कैटेगरी अलग बनाई है। इस तरह से आपने डिफरेंट पूरी 3-4 कैटेगरीज फॉर एग्जाम्पल बनाई हैं। अब उनके अंदर जो आप कंटेंट रेडी करोगे उसकी लिंकिंग किस तरह से करनी है, स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना, यही असल में सेलर स्ट्रक्चर का काम है। मैं आपको एक इमेज से समझाता हूँ ये बात। और आप देख सकते हो आपके सामने दो इमेजेस शो हो रही हैं। ये फर्स्ट इमेज आप देखो, यहाँ पे कुछ जेली बीन्स हैं जो कि डिफरेंट कलर्स के एक साथ अरेंज्ड हैं। अब अगर आपको इस इमेज के अकॉर्डिंग ऑरेंज या कोई अपना कलरफुल जेली बीन फाइंड करना हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सब मिले हुए हैं एक साथ, समझ नहीं आ रहा सही तरीके से कि आपका टारगेटेड या जो आप चाहते हो जेली बीन जिस कलर का वो कहाँ है, यानी सब मिक्सअप है यहाँ पर। और इससे एक तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब हो रहा है, दूसरा ये कि जब अगर चले इसको अगर हम एज अ वेबसाइट समझते हैं कि वेबसाइट पर अगर कंटेंट इस तरह से बिल्कुल मिक्सअप हो तो क्रॉलर्स को भी समझ नहीं आता कि आपका कंटेंट किस तरह से, तो फिर इंडेक्स होने में प्रॉब्लम होती है, इफेक्ट पड़ता है इससे आपकी रैंकिंग पर। अब सेकंड इमेज में आप लोग देख सकते हो कि सेम कलर के जेली बीन्स जो हैं, सेम कलर्स के जेली बीन्स जो हैं, उनको एक साथ अरेंज कर दिया गया है डिफरेंट बॉटल्स के अंदर। अब आप बताएं ये सेकंड कैटेगरी के अंदर आपको आसानी होगी यूजर को अपना कलर इजीली सेलेक्ट करने और चूज करने में सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे मैनेज अच्छे तरीके से कर दिया गया है। तो अब इन दोनों इमेजेस को देखते हुए आप ये समझ लें कि आपका जो फर्स्ट इमेज है ये है विदाउट सेलर स्ट्रक्चर के वेबसाइट की एग्जाम्पल, ये फर्स्ट इमेज है, और विद सेलर स्ट्रक्चर अगर कोई वेबसाइट है उसकी एग्जाम्पल होगी ये सेकेंड इमेज। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपनी इस इमेज की तरफ। अब देखें आपने क्या चीजें जहन में रखनी है, मैं आपको बताता हूँ। आपका होम पेज तो ये है, ठीक है, जैसे कि हमने सपोज किया था कि हमारे जो हेल्थ निश से रिलेटेड वेबसाइट है हमारी, तो उसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं। अब आपके जो कैटेगरीज होंगे ना वो आपके समझे पिलर आर्टिकल होंगे, आपके मनी पेजेस भी हो सकते हैं, वो उनको आप कैटेगरीज बना लें या उनको स्पेसिफिक पेजेस बना लें, आप जो आप समझ लें, वो आपके वेबसाइट पर आपके निश पर डिपेंड करता है। मैं कैटेगरी की एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कुछ लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम होती है। लोग वो समझ तो लेते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं, लेकिन उनको फिर मसला होता है कि वो कैसे उसको सेट करें, इसलिए मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अब समझे हमारी हेल्थ निश वेबसाइट जो है उसके ऊपर ये कैटेगरीज हमने बनाई हैं, यानी एक को हमने रखा है समझे के किड्स हेल्थ, चिल्ड्रन हेल्थ हो गया, या फिर दूसरा हम डेंटिस्ट रख लेते हैं, थर्ड हम रख लेते हैं न्यूरोलॉजिस्ट की कोई हमने टॉपिक को कवर किया वहाँ पर, तो इस तरह से हम रख सकते हैं, ठीक है। वो आपके मेन कैटेगरीज हैं, सही है, आपके मनी पेजेस समझ लें उनको अगर आप एफिलिएट यूज कर रहे हैं तो। अब आपने करना ये कि आपका होम पेज, तो जाहिर सी बात है होम पेज पे तो ये सारे आपकी कैटेगरीज मेन पिलर आर्टिकल जो हैं वो सब तो अटैच्ड होंगे ही होंगे, लेकिन आपकी जो मेन स्पेसिफिक कैटेगरी जो हैं अलग अलग, जैसे कि सेलो वन पेज वन, जैसे हम इसको नाम सेलो पेज वन का नाम जैसे दिया गया है, कैटेगरी वन रख लें इसको आप, तो अब इसके अंदर मजीद आपने जो ना पोस्ट की हैं। अब अगर किड्स हेल्थ है तो आपने किड्स के इम्यून सिस्टम पे आपने पोस्ट किए, किड्स फूड पे की है, इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है। अब आपने उन सबको लिंक करना है अपने उस मेन कैटेगरी पेज से, ये सिंपल सा फॉर्मूला है।
यानी आपने इंटरनल लिंकिंग तो करनी है, वो करनी है, आपका लिंक जो है वो आपके उस पेज से होना चाहिए। अब इससे क्या होगा, इससे एक जो है ना रिलेवेंसी आएगी और यूजर जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पे किसी आता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे किड्स से रिलेटेड ही कंटेंट चाहिए, अब मैं डायरेक्ट जाके उस कैटेगरी देखूंगा, कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो मुझे डायरेक्ट मेरे सामने उसी निश से रिलेटेड, मतलब सॉरी उसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास सामने पोस्ट आ जाएंगे। और मुझे आप बताएं इससे मेरा टाइम कितना बचेगा और यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा हुआ और स्ट्रक्चर बिल्ड होगी अच्छे तरीके से। अब कोई भी यूजर, यानी अगर गूगल के क्रॉलर्स भी आते हैं तो कितनी आसानी होगी उनको समझने में आपका कंटेंट। अब ये चीज ध्यान में रखें कि आपने जो आपके जो डिफरेंट पोस्ट जो सपोर्ट कर रही है आपके इन मेन आर्टिकल मेन कैटेगरी पेजेस को, वो आपने लिंक सिर्फ उसी स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ ही करनी है। ये नहीं कि आपने जो है आपने इसको यहां से लिंक कर दिया डेंटिस्ट की पोस्ट के साथ, यानी आपने कोई यानी जो आपने जो पोस्ट लिखी है डेंटिस्ट की, आपने उसको लिंक दिया हुआ इसमें बीच में किसी किड्स वाली पोस्ट का, तो ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसलिए ये इसको सेपरेट करने के लिए साइलो स्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लास्टर्स, टॉपिक क्लास्टर्स जो है वो क्या है, करके मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट रहेगी, साइलो स्ट्रक्चर या फिर टॉपिक क्लास्टर। तो उससे पहले हम जरा टॉपिक क्लास्टर पर भी बात कर लेते हैं। टॉपिक क्लास्टर को हम इमेज से समझेंगे। ये सर्कल में आप देख सकते हो, ये हमारा मेन कंटेंट है, पिलर कंटेंट है। आप कह लें हमने कोई कीवर्ड टारगेट किया है, वो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, समझे, हमारा प्राइमरी कीवर्ड भी है, हमारा कोर टॉपिक भी है, उसको हम जिसको हम रैंक करवाना चाहते हैं। यहां पर क्या था कि सारे स्ट्रक्चर में क्या था कि हमें कैटेगरीज वाइज हमने बनाकर उसके हिसाब से पोस्ट की थी, ठीक है। लेकिन टॉपिक क्लास्टर में आपको कैटेगरी बनाने की नीड नहीं है, ठीक है, कैटेगरी की नीड नहीं है, आप समझे दोनों में डिफरेंस, कैटेगरी की नीड आपको यहां पर नहीं है। इसमें आपको सिर्फ करना यह है कि आपको वही स्पेसिफिक कीवर्ड पे आपने जो कंटेंट लिखा है वो आपने कंटेंट सब वो चीजें फॉलो करते हुए लिखना है जो कि मैंने अपनी वीडियोस में कवर की हैं, जो कि डिफरेंट एसईओज भी बताते हैं कि आपको कंटेंट कैसे रेडी करना है एक आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए। तो समझे आपका स्टार ट्रैक जो कीवर्ड है उस पर पूरा आपका कंटेंट रेडी है। अब आपने उस कंटेंट के अलावा जो है उस कंटेंट के अराउंड आपने जो है ना डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हैं। आप देख सकते हो ये स्टार ट्रैक जो मेन कीवर्ड है इसके ऊपर, इसके साथ जो उन्होंने कंटेंट को अटैच किया है वो कौन से, द राइज ऑफ रिमस, द डोमिनियन वार, इस तरह से, मतलब उससे जो रिलेटेड जो भी समझे इसके जो समझ सकते हैं, इसके जो सब लिंक्स के चिल्ड्रन जो बन सकते हैं, चिल्ड्रन समझ लें, चले आप सब टॉपिक समझ लें, इसके सब टॉपिक्स ही समझ लें आप। आपने मेरी कीवर्ड रिसर्च वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि आपको एक एक कीवर्ड के लिए कहां कहां से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब जैसा कि answerthepublic.com वेबसाइट जिसके बारे में पहले बता चुका हूं अपनी वीडियोज में, तो आप जब वहां पे किसी टॉपिक को सर्च करते हो तो आपको डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं, डिफरेंट यानी कि आपको सब टॉपिक्स वहां से इजीली मिल जाते हैं। तो आप जब कोई मेन कीवर्ड टारगेट कर लेंगे उसके बाद आप कंटेंट तो दरअसल बात रेडी करोगे अच्छे तरीके से, आपको जो मेन पिलर कंटेंट आपका मनी पेज का कंटेंट आपका वो होगा, उसके साथ आपने जो वर्ड जैसे आप जो कीवर्ड के साथ फाइंड करेंगे वो इजीली निकल जाते हैं किसी भी टॉपिक से, आपको इसमें इतना मसला नहीं होगा। तो उसके बाद फिर जब फिर आपने समझे अराउंड अपने मेन टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स को कवर करके आर्टिकल्स लिखने हैं, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देख सकते हो सिंपल एक आर्टिकल, उसके अराउंड आपने बस आर्टिकल्स का जाल समझे बिछाना है। रेलिवेंसी देखें होनी चाहिए, ये नहीं हो कि आपने दूसरे अपने सब टॉपिक में कोई लिखना शुरू किया तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाए, ऐसा नहीं करना, उससे बिल्कुल मैच होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ कि LSI कीवर्ड्स को लाजमी यूज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल पार्ट प्ले करते हैं आपके आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए LSI वर्ड्स। अपने मेन आर्टिकल के अराउंड कंटेंट रेडी कर लेंगे, काफी सारे आर्टिकल्स आप लिख लोगे जो कि सपोर्ट करेंगे आपके मेन कंटेंट को। इंटरनल लिंकिंग भी करनी है अपने मेन पेज के साथ, यानी कि जो आप आर्टिकल लिखोगे इसमें आपके मेन पेज को लिंक भी जा रहा होगा। तो इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी आपको लिंक मिल रहा है, अथॉरिटी लिंक मिल रहा है अपने होम पेज पर, तो वो लिंक जो URLs पे पास होगा जो कि आपने कनेक्ट किए हैं अपने होम पेज के साथ, जैसे कि आपने कैटेगरीज जो बनाई है, इससे अथॉरिटी भी पास होगी अगर आपको कोई क्वालिटी लिंक मिला है तो। और जब आप एक ही कंटेंट के अराउंड, जैसे कि इसमें देखिए हम एक ही कंटेंट के अराउंड जब से अथॉरिटी आपकी बिल्ड होगी स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर, अथॉरिटी बिल्ड होगी तो डेफिनेटली आपके रैंकिंग के चांसेस भी बढ़ेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बंदे ने एक वेबसाइट में 10-12 टॉपिक्स को कवर किया है, समझे कि उसने जो टॉपिक एक टॉपिक ऐसा लिखा कि दूसरा टॉपिक जो है वो बिल्कुल उसका सर पैर ही, मतलब बिल्कुल ही अलग है उससे, एक एक जमीन है तो दूसरा आसमान है,
अगर ऐसे टॉपिक आप वेबसाइट पे कवर करोगे तो आप मुझे बताएं गूगल किस आपके कंटेंट को अथॉरिटी देगा, आपको यानी आपकी फिर वेबसाइट की वो कैटेगरी समझेगा क्या, क्योंकि स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जब आप काम करते हो तो आपको उसके अंदर अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जब आप डिफरेंट कैटेगरीज पर टारगेट कर लोगे तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि आपको फिर गूगल को भी इस तरह से आप लोग गूगल को भी कंफ्यूज करेंगे और फिर आपकी रैंकिंग भी फिर आप बताएं कहां से इंप्रूव होगी। न्यू भी इस तरह की मिस्टेक करते हैं कि जब कोई वेबसाइट आप बिल्कुल न्यू बनाते हैं तो वो सब कुछ कवर करना शुरू कर देते हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी, टैक्स से रिलेटेड भी, सब कुछ वो डालना उसमें शुरू कर देते हैं, तो ये चीज बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। आप जितना स्पेसिफिक होकर वर्क करेंगे उतना आपको रैंकिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक क्लस्टर्स और साइलो स्ट्रक्चर। आपके लिए क्या चीज बेस्ट है ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे उनके लिए उनकी वेबसाइट के हिसाब से, उनकी वेबसाइट के टॉपिक के हिसाब से साइलो स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनके लिए टॉपिक क्लस्टर बेस्ट रहेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है अपने अपने टॉपिक्स के ऊपर। अब जैसा कि हमने साइलो स्ट्रक्चर में जो एग्जाम्पल ली थी वो थी हमारी हेल्थ कैटेगरी। अगर आपके पास पहले से आपने सोचा हुआ है कि आपने डिफरेंट कैटेगरीज को टारगेट करना है, यानी आपकी देखें आप देखें निश तो आपकी हेल्थ ही हुई ना, निश से आप बाहर नहीं निकले, निश आपकी पूरी हेल्थ है, लेकिन आपने हेल्थ के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को टारगेट किया है तो फिर आपके लिए साइलो स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से फिर आपको यूजर्स को भी एडवांटेज मिलेगा जब कंटेंट इस तरह से अरेंज करेंगे आप उनके लिए। तो लेकिन दूसरी तरफ आपको कन्फर्म नहीं है कि आपको कितनी मजीद कैटेगरीज शामिल करनी है, आपको कोई कन्फर्म ही नहीं है वेबसाइट के बारे में, लेकिन आपने कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स टारगेट किए हैं कि आप उन पर लिखना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ये उन लोगों के लिए बेस्ट ये रहेगा कि वो एक कंटेंट लिखकर उसके अराउंड कंटेंट का जाल बिछा लें, ऐसा कह लें, जैसा कि टॉपिक क्लस्टर्स में होता है, तो उनके लिए टॉपिक क्लस्टर्स जो है बेस्ट रहेगा। तो ये डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हो जैसे कि ये आपकी जो यूआरएल इस तरह से होना चाहिए कि आपकी जो मेन वेबसाइट उसके बाद आगे कैटेगरी पेरेंट आपका यानी कि कैटेगरी हो गई, आपका कोई पिलर कंटेंट हो गया, उसके आगे फिर आपका चाइल्ड यानी कि आपका जो सब कैटेगरी या सब टॉपिक हो गया। तो आपका देखें जो यूआरएल है वो इस तरह से ही होना चाहिए, आपने ऐसा नहीं कि आपने बीच में यूआरएल के बीच में डेट्स वगैरह को ऐड कर दिया है या जैसा कि होता है आप देख सकते हैं, और डिफरेंट आपने यानी आपका जो है थ्री स्टेप्स के अंदर आपका जो है पेज मिल जाना चाहिए यूजर को, ये चीज आप ध्यान में रख लें बस, तो काफी आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। अब ऐसा होता है कि आपको कोई क्लाइंट कहता है कि आपने कीवर्ड रिसर्च करके देनी है उनको, स्पेसिफिक कीवर्ड्स निकालने हैं और उसके साथ साथ आपने उनको टॉपिक क्लस्टर भी बना के देना है, तो तब आप क्या करेंगे, तब आपको देखें करना कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं पहले कीवर्ड्स की, फिर आपको इस बात इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको इस शीट के जरिए समझाता हूं। कोई क्लाइंट अगर आपको कहता है कि उसको टॉपिक क्लस्टर भी चाहिए अपने कीवर्ड से रिलेटेड, यानी टॉपिक क्लस्टर आप बनाकर दें उनको, तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस आपने नहीं करनी। तो लेट सपोज के हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है वायरलेस कार चार्जर कप होल्डर, ये हमें मेन कीवर्ड दिया गया है क्लाइंट की तरफ से। अब आपको जो है उसके अराउंड टॉपिक क्लस्टर्स को फाइंड करना है, तो जब आप कीवर्ड ये फाइंड करेंगे तो आपको साथ काफी ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आपके यानी आपके जो मेन कीवर्ड के साथ अटैच्ड होंगे, ऐसे आपको काफी टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब लेट सपोज कि हमारे ये सब वो टॉपिक्स हैं वायरलेस चार्जिंग इन कार, जैसे अब ये समझ लें, तो आपने जब मेन कंटेंट पे तो कीवर्ड आपने मेन कीवर्ड पे कंटेंट तो लिखना है, साथ साथ आपने इन कीवर्ड्स को भी यानी आपके क्लाइंट को आपने ऐसे लिस्ट दे दी बनाकर कीवर्ड की, यानी कि आप टॉपिक लिस्ट दे दिए कि आपने अगर कंटेंट्स किसी से लिखवा रहे हैं तो वो इस कीवर्ड के साथ साथ इन कीवर्ड्स पे भी लिखवा कर इनको आपस में इंटरलिंकिंग कर दें। अब देखें बिल्कुल उसका ऐसा ना हो कि बिल्कुल उसका अल्टरनेट वर्ड्स आपने दे दिए, तो वो LSI वर्ड्स होंगे, वो आपके कंटेंट के बीच में ही यूज होने हैं। ये याद रखना मैंने कहा है कि आपकी इस कैटेगरी से हटे भी ना और इस टॉपिक से भी ना हटे वो, और बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ना हो कि डुप्लीकेट भी ना हो, मेन कीवर्ड से रिलेटेड ही सब टॉपिक्स फाइंड करके लिस्ट में ऐड करके देने अपने क्लाइंट को। तो बस ये हो गया सिंपल सा आपके क्लस्टर के सेटिंग। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।